हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। पुष्टि सिंगर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गांधी जी के फूल के माला जी। ये जेको मोती है, येलो कलर के, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट और पिंक। व्हाइट धागा लेना है और 3 mm के व्हाइट मोती लेने हैं और निडल। अब हम माला जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें 6 रेड मोती लेने हैं। छह मोती और इसमें ये जो लास्ट का मोती है उसमें से रिटर्न लेना है इस तरह। फिर 11 मोती लेने हैं। और यहाँ पे जिस मोती में से हमने लिया था उस मोती में से लेना है इस तरह। फिर 11 मोती फिर इस मोती में से ही रिटर्न। फिर से 11 मोती लेने हैं। हर बार हमें 11 मोती ही लेने हैं। और इस मोती में से रिटर्न। फिर से हमें 11 मोती लेने हैं। और इसी मोती में से रिटर्न। फिर 11 मोती लेने हैं। और ये जो मोती है उसमें से लेना है। इस तरह हमारा पूरा फूल बन के रेडी हो गया। इस तरह हमारा पूरा फूल बन के रेडी हो गया। इस तरह हमें सारे फूल रेडी करने हैं। इस तरह मैंने व्हाइट, येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड और पिंक कलर के फूल रेडी किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप। अब हमें ब्लैक धागा लेना है और एक व्हाइट धागा लेना है। ये धागा मैंने 4 लेयर में लिया है। अब हमें इस ब्लैक धागे में इस तरह व्हाइट धागा लेना है और यहाँ 2 लेयर में से वापस लेना है इस तरह। और इसको इस तरह अब हमें यहाँ पे गांठ लगा देनी है। सबसे पहले हमें एक व्हाइट मोती लेना है। फिर ये जो हमने फूल बनाए वो फूल लेना है इस तरह। फिर एक व्हाइट मोती और एक फूल। फिर एक व्हाइट मोती और एक फूल।
हर बार हमें एक व्हाइट मोती और एक फूल लेना है। व्हाइट फूल मैंने 24 लिए हैं। इस तरह तीन फूल रेड कलर के, हर बार हमें एक बीच में व्हाइट मोती लेना है। तीन ग्रीन कलर के, अब दो पिंक कलर के, इस अब ब्लू कलर के तीन फूल, रेड कलर के तीन फूल, रेड कलर के, अब येलो कलर के छह फूल, अब हमें फिर से रेड ब्लू पिंक और ग्रीन फूल लेने हैं। अब हमें इसी तरह 24 व्हाइट फूल लेने हैं और फिर बीच का थाक रेडी करना है। अब हमें इसी तरह बीच का थाक रेडी करना है। तीन ग्रीन पिंक ब्लू रेड और यहाँ पे दो ग्रीन ऐड करना है। तीन ग्रीन, अब दो पिंक, अब ब्लू तीन, अब रेड कलर का तीन, अब और फिर छह येलो, अब हमें इसी तरफ लेने हैं ग्रीन रेड ब्लू पिंक और ग्रीन। ये हमारा बीच का थाक रेडी हो गया। अब हमें इसी तरह आगे के माला जी कंप्लीट करने हैं। ये व्हाइट थाक, ये साइड का थाक और फिर ये व्हाइट थाक रेडी करना है। अब ये थाक रेडी करना है। हमारे माला जी बन के कंप्लीट हो गए। अब हमें लास्ट में ये काला धागा है, इसको बीच में से लेना है इस तरह, और इस तरह गांठ लगा देनी है।
फूल के माला जी बन के रेडी है, कितने सुंदर लग रहे हैं। आप भी अपने ठाकुर जी के लिए अवश्य बनाएं और मुझे कमेंट करें आपको ये माला जी कैसे लगे। जय श्री कृष्ण।